डेफिशिएंसी मतलब प्रोटीन की कमी से ये होने वाली बीमारी है। देखिए जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये प्रोटीन की कमी से होती है ये बीमारी। प्रोटीन की कमी से कैसे होता है, मतलब जैसे कि किसी बच्चों को दूध, अंडा, मछली ये सब खाने को नहीं मिलता है, उसके वजह से बच्चों में ये बीमारी हो जाती है। तो आइए इसका जानते हैं क्या क्या इसका कारण है। पहला कारण है कि ये जब छोटा बेबी आता है ना, उसको पेट में कीड़ा हो जाता है, उसको ना अगर जल्द से अगर डॉक्टर से नहीं दिखाइएगा तो वो बड़ा कॉज कर देता है और कॉसिकर डिजीज, कॉसिकर बीमारी हो जाती है। और उसके बाद जब माँ स्तनपान कराती है तो उनको 6 महीना से लेके साल भर तक ही कराना चाहिए। अगर वो लॉन्ग टाइम अगर बहुत दिन से वो बच्चे को स्तनपान करा रही है, उसके वजह से भी बच्चों को कॉसिकर डिजीज हो सकती है। तो इसका सिम्टम्स है, बच्चा का धीरे धीरे वजन कम होने लगता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट वृद्धि का विकास कम होने लगता है धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे बच्चा को ये मतलब देखिए जैसा कि पिक्चर में बता रहा है, बच्चा ऐसा हो जाता है और ये सुस्त रहने लगता है। इसका फेस जो होता है मुंह जैसा हो जाता है, चांद के जैसा हो जाता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट में उसका मतलब वृद्धि नहीं हो पाता है। जैसे कि बच्चा का बढ़ना, बच्चा का वेट वगैरह वो सब कम हो जाता है और रुक जाती है उसी वक्त। इसका दूसरा लक्षण है दांत का गिरना और इसका इलार्जमेंट ऑफ एब्डोमिनल, पेट में लीवर का बड़ा हो जाना, मतलब वो जो खाना लेता है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता अच्छे से, पाचन तंत्र उसका पाचन का जो क्रिया होता है वो रुक जाता है और वो अच्छे से काम नहीं करता, उसके वजह से बच्चों को नोजिया और वोमिटिंग भी बार बार होती है और पेट बड़ा हो जाता है। जैसे कि पहले हम आपको दिखाए थे पिक्चर में बेबी का पेट बड़ा हो जाता है और दांत गिरने लगता है। और दूसरा सिम्टम्स है बाल का झड़ना, बाल जब ऐसा सिम्टम्स जब ऐसा डिजीज होता है तो बच्चा का बाल जो होता है वो फिर मतलब पतला हो जाता है और कड़वा हो जाता है और धीरे धीरे सारा बाल उड़ने लगता है जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। और दूसरा सिम्टम्स है कि पैरों में सूजन हो जाता है, एडिमा स्वेलिंग, ये स्टार्टिंग होता है पैरों के पंजे से, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको पैर में स्वेलिंग हो गया है बेबी को, तो ये स्टार्ट होता है पैर के पंजों से, धीरे धीरे पूरा पैर भी ऐसे ही स्वेलिंग हो जाता है, उसके बाद हाथ में स्वेलिंग हो जाता है मतलब सूजन हो जाता है हाथ में भी और उसके बाद मुंह में भी सूजन आने लगती है। और इसका अब ट्रीटमेंट है, तो आइए देखते हैं इसका क्या क्या इलाज है। तो अगर ऐसा सिम्टम्स अगर ऐसा लक्षण कोई भी बच्चा में अगर दिखे, किसी भी बच्चा में अगर ऐसा लक्षण दिखे तो नजदीकी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिएगा और उनको बताइएगा कि बेबी को ऐसा सब चीज हो रहा है। अगर ऐसा सब लक्षण दिखने को मिलेगा तो तुरंत डॉक्टर से बच्चों को इलाज करवाइएगा और उसके बाद डॉक्टर के द्वारा दिया गया जितना भी दवाइयाँ और प्रोटीन, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं दूध, मछली, अंडा ये सब की कमी से जैसे ये रोग हो रहा है तो आप वो डॉक्टर आपको जो जो बोलेंगे प्रिस्क्राइब करेंगे, मतलब उनके द्वारा जितना भी मेडिसिन दिया जाएगा वो टाइम टू टाइम बच्चों को दीजिएगा और ठीक हो जाएगी। जैसे कि देखिए इसमें प्रोटीन की कमी से जैसे हो रहा था, उसमें प्रोटीन की कमी से ये कॉसिकर डिजीज हो रहा है, उसी का ट्रीटमेंट जैसे प्रोटीन, इसमें देखिए इसमें अंडा दिया हुआ है और साग सब्जी भी देना है और साग सब्जी मतलब बादाम वगैरह ये सब बच्चों को
अच्छा से खाना चाहिए, अच्छा से सैनिटाइजर ये सब मतलब ये सब मेंटेन करके रखेंगे मतलब अच्छे से, तो ये डिजीज नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि किसी किसी घर में 4-5 बेबी हो जाता है, उसके वजह से माँ अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाती है, उसके वजह से भी ये डिजीज देखने को मिलता है बेबी पे, तो देखने को मिलता है। तो उनके माँ को बैठा के हम अच्छे से समझाएंगे कि अच्छे से कपड़ा मतलब अच्छे से खाना खाइए, अच्छा फूड लीजिए, मतलब उनको अच्छा से एजुकेट करेंगे ताकि ये डिजीज ज्यादा से ज्यादा न हो। और इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।